देश भर के मौसम में बदलाव जारी है। दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में देर रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में लोग कोहरे के साथ साथ प्रदूषण से भी परेशान हैं। कोहरे की वजह से सुबह के समय मैदानी भागों पर विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। दिल्ली NCR में कोहरे के साथ साथ धुंध भी छाई हुई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी भी लगातार खराब होती जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। 20 नवंबर तक दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। वहीं मौसम विभाग ने पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम राजस्थान में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, बिहार और झारखंड में सुबह के समय घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस समय उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके बाद क्षेत्र के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। 18 से 20 नवंबर 2024 के बीच न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप और दक्षिणी तेलंगाना में भी संभावना है। दक्षिणी कोंकण और गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान का शहर लाहौर पहले स्थान पर है। वहीं चंडीगढ़ में AQI 412, गाजियाबाद में 356, हापुड़ में 348 और नोएडा में 347 रहा। वहीं शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार में AQI 444, अलीपुर में 407, द्वारका में 444, नजफगढ़ में 402, पंजाबी बाग में 443, शादीपुर में 438, नोएडा में 302, अशोक विहार में 441, जहांगीरपुरी में 460 और इंडिया गेट में 416 रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।